तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट को, जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तक आपने जितने भी फॉर्म्स पढ़ी हैं, उसमें से एक फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें एक लाइन का स्लोप गिवन होता था और उसका एक इंटरसेप्ट गिवन होता था, या तो एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट। लेकिन यदि किसी लाइन का दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन हो, तो वहां से हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन लेते हैं एल, जो कि वाई एक्सिस को 0, b पॉइंट पे कट करती है, यानी कि यह डिस्टेंस बी है, और एक्स एक्सिस को 0 पे कट करती है, यानी कि यह डिस्टेंस ए है। तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ए गिवन है और वाई इंटरसेप्ट बी गिवन है। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जब हमारे पास ये दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो। इसके लिए हम टू पॉइंट फॉर्म को रिकॉल कर लेते हैं, जहां पे लाइन की इक्वेशन होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते थे जिससे वह लाइन पास होती थी। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वह है 0, b और 0, जिनको अगर मैं सब्सिट्यूट करूं तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी bx + ay = ab। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे ab यानी कि कांस्टेंट पार्ट आया है, तो हम पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x / a + y / b = 1। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी भी लाइन के दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स इंटरसेप्ट जो कि है ए और वाई इंटरसेप्ट जो कि है बी, तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन हो जाती है x / a + y / b = 1, और इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि x और y एक्सिस पे -4 और 6 रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट बनाती है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसको हम एक्स वाई प्लेन पे देख लेते हैं। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि -4, 0 और 0, 6 से पास होती है, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम कह सकते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन होती है x / a + y / b = 1, जहां पे a और b x और y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली होते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे a यानी कि x इंटरसेप्ट जो कि है -4 एंड b जो कि है y इंटरसेप्ट वो है 6, और इसको हम अगर इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा x / -4 + y / 6 = 1, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा 3x - 2y + 12 = 0, जो कि उस लाइन की इक्वेशन है।